खुदावन का दिन, तारीकी और कहर का दिन। योएल नबी की किताब, एक बाप 13 से 15 आयत और दो बाप 1 से 2 आयत। खुदावन का कलमा सुनो, ऐ काहिनों कमरे बंद कर मातम करो, ऐ मजबे पर खिदमत करने वालों वाविला करो। ऐ मेरे खुदा के खादमों, आओ रात भर टाट उड़ो, क्योंकि नज़र और तापावन तुम्हारे खुदा के घर से मौकूफ़ हो गए हैं। रोज़े का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फराम करो, बुज़ुर्गों को और मुल्क के तमाम बशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करो और खुदावंद के पास फरियाद करो। हाय वो कैसा दिन है, क्योंकि खुदावन का दिन करीब है। वो अलकादिर की तरफ से हलाकत की मानद आएगा। सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोह नूर मुकद्दस पर ललकारो। मुल्क के तमाम बशिंदे ठहर ठहर आए, क्योंकि खुदावन का दिन करीब बल्कि दरवाजे पर है। तारीकी और अफसर्दगी का दिन, बादल और कहर का दिन। जिस तरह फजर की रोशनी पहाड़ों पर फैल जाती है, इसी तरह एक कसीर और ताकतवर कौम आती है, जिसकी मानत ना कभी हुई है ना आखिर तक नस्लों के आयाम तक कभी होगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, खुदावन जहाँ पर सदाकत से अदालत करेगा। ऐ खुदावन, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, मैं तेरे तमाम अजायबात का बयान करूँगा, मैं तुझ में खुश और शादमान रहूँगा। ऐ हक ताला, मैं तेरे नाम की मदा ख्वानी करूँगा। जुमाइती जवाब, खुदावन जहाँ पर सदाकत से अदालत करेगा। तूने गैर कौमों को जड़का है, शरीर को हलाक किया है, उनका नाम अब्दुल अबाद तक मिटा डाला है। गैर कौमें इसी गड़े में गिरी है जो उन्होंने खोदा है, और जो जाल उन्होंने छुपाया था उसमें उन्हीं के पांव फंसे। जमायती जवाब, खुदावन जहाँ पर सदाकत से अदालत करेगा। लेकिन खुदावन अब तक तकनिशी हैं, उसने अपने तक इंसाफ के लिए तैयार किया। वही जहाँ पर सदाकत से अदालत करेगा और रास्ती से कौमों पर इंसाफ करेगा। जमायती जवाब, खुदावन जहाँ पर सदाकत से अदालत करेगा।